hi everybody as long as we have hope as long as we have hope fear fear doesn't stand a chance today is 5th of october 2022 let us have a quick discussion of all these important topics this is telegram quiz everyday in the morning we are having five such multiple choice questions join this is quiz number 151 agriculture डबल क्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर मीन्स रेजिंग ऑफ टू क्रॉप सैमल्टेनियसली दो क्रॉप एक साथ एक ही खेत पर एक ही टाइम पर लगाते हैं दैट इज कॉल्ड डबल क्रॉपिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर लिखा है मिस्टर एम एस रंधावा ने रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन इंडिया है ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर स्मॉल लैंड होल्डिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑल ऑफ द अब मिक्सड फार्मिंग मतलब क्रॉप भी है और एनिमल्स भी है फार्म Farm है फार्म हाउस है क्रॉप्स भी है और एनिमल्स भी है एगमार्क ये होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एगमार्क ये मार्क है स्टैंडर्ड गारंटी क्वालिटी सर्टिफिकेशन सो ये आज के ये क्विज के आंसर्स है आज के सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज नॉट अ राबी क्रॉप इन विच मंथ इज द राबी क्रॉप सोन द आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस आर

टमेरिटी का मतलब होता है उतावलापन एक्सेसिव कॉन्फिडेंस और बोल्डनेसिटी नैगिंग का मतलब होता है काम करने के लिए परेशान करना कॉन्स्टेंटली हैरास करना सम वे मीन्स बातचीत अन्फ्रेंस बिटवीन अपोजिंग साइड इन अ डिस्प्यूट सो ये वोकैबुलरी वर्ड है आज के लिए इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो दिस इज सी सेट ये क्विज है ट्राई टू आंसर इसका क्या सोल्यूशन होगा अंकल ऑफ डी कौन है देन एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आपको बताना है हु स्कोर द हाइएस्ट सो दिस इज सी सेट सी सेट में ऑल यू हैीरीज प्लेलिस्ट क्विकली वॉच करिए बेंच थर्टी टू वीडियोज उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे देन इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस टू क्वेश्चन एवरीडे नाउ दिस इज सोशल मीडिया आपको पता है एलिफेंट पॉपुलेशन नाउ स्टैंडी थाउजेंड इन नंबर में ये है और अभी अराउंड ये थ्री थाउजेंड है टू थाउजेंड नाइनटीन में क्या आप जानते हैं सागा दावा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन सागा दावा क्या आप जानते हैं पंजाब का छकड़ा छकड़ा खिलौना इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पाया गया था इट इज लाइक दिस इट इज लाइक दिस दिस इज अ टॉय देन डिड यू नो द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ दुर्गा पूजा गॉट एज ऑन द यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन this is guess the name of this palace in south, south india can you identify this palace and then aap hai rani durgavati remembering the brave indian warrior queen rani durgavati on her birth anniversary let us pray let us pay our respects to the mighty rani durgavati on the occasion of her birth anniversary ट अटैप टू डिफेंड हर गोन किंगडम अगेंस्ट द बिगर मुगल बिगर मुगल आर्मी इन हिस्ट्री ऑन एग्जाम्पलरी रिफ्लेक्शन ऑफ अवर ब्रेवरी हम बोलते हैं ना गोंडवाना लैंड सो so, आप थी गॉन्ड किंगडम की क्वीन रानी दुर्गावती सो so, ये हुआ सोशल मीडिया अपडेट और आज का सवाल है प्रिपेयर अ नोट ऑन द मिशन करम योगी सिविल सर्विसेस के लिए है सिविल सर्विसेज रिवैंप मिशन करम योगी

वॉट्स योर आइडिया ऑफ बींग सिविल सर्वेंट सो ये है फिफ्थ ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के क्वेश्चन इसके बाद टूवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो हम जो प्रीवियस सबमिशन्स है उनको भी चेक करेंगे सी आंसर सबमिशन बहुत आसान है जिस दिन पर वो सवाल पूछा गया है आप उस पोस्ट को ओपन करो देन आप यहाँ लॉग इन कर सकते हो किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से प्रिफर गूगल ज्वाइन द डिस्कशन में जाइए और जो आंसर जैसे देखिए कीर्ति ने इसको अपलोड किया आंसर लिखा पेन एंड पेपर में इसका एक फोटोग्राफ खींचा और इसको अपलोड कर दो इसको अपलोड कर दो दिस डिस्कस में जस्ट लाइक दैट जैसे हम सोशल मीडिया में पोस्ट शेयर करते हैं ज्वाइन द डिस्कशन अपलोड दैट पर्टिकुलर फोटोग्राफ एंड पोस्ट इट इज वेरी सिंपल अगर फोटोग्राफ फाइव एम से बड़ा है तो उसको हम कंप्रेस कैसे करेंगे आप अपने आप को ही से व्हाट्सएप में खुद को ही वो फोटो सेंड कर दो व्हाट्सएप उसको ऑटोमेटिकली कंप्रेस कर देगा फाइव एम बी का फोटो आपका पांच सौ के बी का हो जाएगा इतना अच्छा कंप्रेस कर देता है वो सो सो आफ्टर कंप्रेशन देन जो न्यू फोटो होगा उसको फिर आप अपलोड कर दो दिस इज द वेबसाइट जहां पर आपको आंसर राइटिंग करना है आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है दिस इज द प्राइमरी रीजन यहाँ पर एक सिंगल एड आपको नजर नहीं आएगा दिस इज एप्सोलूटली एड फ्री फ्री मोबाइल फ्रेंडली वी आर पुटिंग इन सो मच ऑफ एफर्ट सो दैट आप आंसर राइटिंग करो बिकॉज हमको फाइनल सलेक्शन भी चाहिए फाइनल सेलेक्शन भी चाहिए सो एवरी कैन राइट एवरी कैन राइट राइट आंसर राइट आंसर एंड गेट सेलेक्शन दिस इज सृजन इंडिया डॉट वन, और आप पार्टिसिपेट करो ये बहुत अच्छी कम्युनिटी है दीज आर लाइक ऑल टॉपर्स कॉपी इतने अच्छे आंसर है यहाँ पे आप इस ग्रुप में शामिल हो यहाँ पर आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दो आप अपने आंसर्स लिखो और आपको बहुत बेनिफिट होगा यही जो एक्चुअली चीज है दिस एटमोस्फियर इज एक्चुअली जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है दिस एक्स फैक्टर होता है सिलेक्शन में सो so इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए इन सारे इनिशियटिव को अब सी आज फिफ्थ है फिफ्थ ऑफ अक्टूबर है तो आज द हिंदू का ऑफ है द हिंदू का हॉलिडे है बट वी आर वेरी सिंसियर एवरी डे मीन एवरी डे सो आज हम प्राइमरली इंडियन एक्सप्रेस को कवर करते हैं इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा न्यूज पेपर है दिस इज अ वेरी गुड न्यूज पेपर और कई मायनों में इंडियन एक्सप्रेस इज बेटर देन द हिंदू जो आर्टिकल्स इसमें आते हैं उसका जो रेंज है द हिंदू में ना तो मोनाटोरस हो जाता है कई बार बट इंडियन एक्सप्रेस का रेंज इज रियली रियली गुड सो हम इस न्यूज पेपर को भी फॉलो कर सकते हैं प्राइमरली हम द हिंदू को प्राइमरी न्यूज पेपर लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस को सेकेंडरी बिकॉज रिपीटेशन ऑफ न्यूज हो जाता है टूडे द हिंदू नहीं है सो वी विल फॉलो दिस द इंडियन एक्सप्रेस दैन इसके अलावा क्लासेज कॉन्टिन्यूड है कल हमने क्लास में पढ़ा था इंडियन पॉलिटी सीरीज में दिस इज़ अंडर प्रलिम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कोर्स इसका फ़ी डबल वन डबल वन है दिस इज़ नॉट ओनली फॉर दिस प्रिलिम्स दिस लक्ष्मीकांत बुक इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हम देखेंगे जो विद इन दिस कोर्स ही होगा यू डू नॉट हैव टू पे अ सेपरेट फी दिस इज ओनली वन फी जो आपको पे करना है दिस यूपीएससी सी एस सी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में दिस इज वेरी अफोर्डेबल एंड इट इज वेरी नॉमिनल एंड इट इज रिक्वायड टू कीनेबल सो दिस रिक्वायर्ड एंड दिस नंबर इज वेरी स्पेशल सो हम इसको भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ये ही फी होगा डबल वन डबल वन ओनली ओके अपसी कल हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखा स्टार्ट किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने कल से स्टार्ट किया था 1773 टू 1857 अब नेक्स्ट क्लास में हम 1857 टू 1947 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसीजर था उसको पूरा कवर करेंगे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस इसको लाइव क्लासेस ही अटेंड करना है वीडियोस बाद में वॉच करने पर वो फील नहीं आता है अटेंड द लाइव क्लासेस डेली एट पी एम पे हमारी क्लासेज हो रही है बट आज क्लास नहीं होगा बिकॉज आज फेस्टिवल भी है मेनी ऑफ यू आर रिक्वेस्टिंग फेस्टिवल के कारण डिफिकल्टी होगा सो दैट इज वाई आज ऑफ है कल हम रिज्यूम करेंगे नो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस इलेक्शन कमीशन आस्क पार्टीज टू एक्सप्लेन हाउ दे प्लान टू फाइनेंस पोल प्रोमिस एंड रॉज दिस थी एक वर्ड अभी न्यूज में चल रहा है वो है रेवरी कल्चर रेवरी कल्चर फ्रीबीज, फ्रीबीज मतलब ये होता है चुनाव जीतने के लिए कुछ भी प्रोमिस हो जाते हैं जो इकोनॉमिकली फिजिबल भी नहीं होंगे सो द आइडिया इज इलेक्शन कमीशन ने बोला आप प्रोमिस कर सकते हो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है बट आप अपने इलेक्शन पोल प्रोमिस कर सकते हैं बट साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा किस extent और किस एक्सपैंस में उसका कवरेज होगा ये नहीं कि सेलेक्ट फ्यू के लिए जैसे sales में होता है एक बहुत लिमिटेड स्टॉक में दे दिया बाकी जैसे ही वो खत्म हुआ वापस प्राइस बढ़ा दी so पैसा कहां से आएगा इंपैक्ट ऑफ रेजिंग रिसोर्स प्लान और इससे क्या इकोनॉमिक जो सस्टेनेबिलिटी हेल्थ है इंस्टीट्यूशन की वो डायल्यूट तो नहीं हो जाएगी वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगी और इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होंगे बिकॉज यू नो कल ही हमने एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसकी एक कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर दिस देन इट मीन्स सम वन एल्स इज पेइंग फॉर यू समन एल्स इज पेइंग फॉर यू एंड वो होता है टैक्स पेयर टैक्स पेयर इज पेइंग फॉर दिस दैट इज वाई यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट सो अगर यहाँ पर हम जस्टिस एनेबल नहीं करें या फिर साउंड इकोनॉमिक्स नहीं हो प्रूडेंस नहीं हो तो फिर ये टैक्स पेयर मनी के लिए भी उनका दिस वॉयलेशन होगा सो दैट इज वाई वी नीड दिस एक्सप्लेनेशन अम इट अ रेजिंग डिबेट ऑन द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ फ्रीबीज़ बीज बाय पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन ऑन द रेवड़ी कल्चर इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर बोला कि आप इन चार बातों को एक्सप्लेन करो कि आप किस तरीके से ये फ्री को डिलीवर करोगे ओवररीच विल स्टे आउट ईसी टोल सुप्रीम कोर्ट तो इलेक्शन कमीशन ने पहले ये था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ये ईसी का मैंडेट नहीं है फ्रीबीज डिसाइड करना एटसेट्रा बट अब यहाँ पर फ्रीबीज के बारे में इलेक्शन कमीशन ने ये एक्सप्लेनेशन पूछा है प्राइम मिनिस्टर टेल्स जेलेंस की नो मिलिट्री सोल्यूशन इंडिया रेडी टू हेल्प नेटो मेंबरशिप की बात किया है और ऑब्वियसली नेरीना uh, है एक्चुअल फाइट हो रहा है वो दो जॉइंट आइडियोलॉजी में हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स लीड ग्रुप नेटो एंड रशिया द पॉइंट इज की जो ऑर्डिनरी यूक्रेनियन है वो इसकी प्राइस पे कर रहे हैं और बिकॉज ऑफ दिस फाइट दिस वॉर वर्ल्ड इज पेंग द प्राइज प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे क्लियरली बताया था कि मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए जो डिफरेंसेस हैं उसका मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए टॉक्स डायलॉग्स के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए पीस एफर्ट को अभी भी प्राइमरी हमारी पोजीशन देनी चाहिए और इसके लिए इंडिया यहाँ पर नेगोशिएशन के लिए इंडिया यहाँ पे हेल्प ऑफर करने के लिए भी रेडी है बिकॉज इंडिया के वर्किंग टाइज हैं इंडिया के कार्डियल रिलेशन है यूक्रेन के साथ भी इंडिया के कार्डियल रिलेशन है रशिया के साथ भी तो इंडिया यहाँ पर पीस मेकर मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है और ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा भी होगा बिकॉज इससे वर्ल्ड स्केल पे वर्ल्ड स्केल पे इंडिया का बहुत अच्छा यहाँ पे इमेज बनेगा और ये इंडिया डिलीवर भी कर सकता है डिलीवर भी कर सकता है सो so, दिल्ली ने फिर से यहाँ पे बोला दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर एंड इंडिया रेडी टू हेल्प रेगा एम जी नरेगा वर्कर ब्रेक्स नेशनल रिकॉर्ड तो ये नेशनल गेम्स चल रहे हैं राम बाबू एम जी नरेगा वर्कर है और साथ ही उन्होंने तैयारी की स्पोर्ट्स की और यहाँ पर नेशनल रिकॉर्ड यहाँ पे ब्रेक किया फेंटेस्टिक सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू दैन सी आज खुश तो बहुत होंगे तुम दिल्ली पुलिस का है शांति सेवा न्याय सी क्योंकि दिल्ली पुलिस लावार इस वस्तु की जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखती है एक्चुअली बहुत सारी चीजें हम देखते हैं बाय मिस्टेक अगर कहीं वो आपसे खो गई है मोबाइल खो गया है कोई बैग खो गया है तो आप उसको पुलिस को हैंडओवर कर सकते हैं पुलिस को हैंडओवर कर सकते हैं पुलिस उसको फिर जो उसका राइट ऑनर है उसको वो डिलीवर कर देगी बी केयरफुल ड्यूरिंग द अपकमिंग फेस्टिवल्स कोऑपरेट विद द दिल्ली पुलिस इन रिड्यूसिंग क्राइम्स बाय एक्टिंग एज देयर आईज एंड ईयर्स मेक श्योर टू गेट द टेनेंट वेरीफाइड फ्रॉम द पुलिस अगर आप मकान किराए पर दे रहे हैं तो उस किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराइए चेक गेस्ट आइडेंटिटी बिफोर अटेनिंग अ रूम इन अ होटल और गेस्ट हाउस होटल और गेस्ट हाउस में दिस आई डी कार्ड रिपोर्ट सस्पिशियस अनकलीम्ड आइटम्स इमिजिएटली टू वन जीरो नाइन जीरो योर आइडेंटिटी विल बी केप्ड कॉन्फिडेंशियल गेट कम्प्लीट बायर डिटेल्स वाइल सेलिंग अ कार और टू व्हीलर उसका पेपर वर्क ज़रूर से देखना चाहिए मोबाइल भी आप सेल कर रहे हो तो उसका आई एम ई आई नंबर वगैरह अच्छे से नोट करके आप उसको सेल करो एक पेपर रखो अपने पास कि ये मोबाइल हमने बेच दिया है अब इससे इसकी ऑनरशिप हमारी नहीं है इमरजेंसी नंबर असिस्टेंस तो ये चीज आपको देखना है लापरवाही नहीं होनी चाहिए बी द आईज एंड इन दिस इज हॉस्पिटल फॉर डेंगी सर्ज डॉक्टर माइल्ड दिस इयर तो डेंगी का अभी दिस कहर जारी है गुड बाय गुड एयर दिल्ली का दिस एयर चैंबर फिर से रिपीट होता नजर आ रहा है पॉल्यूशन अपसी यू कैन एडॉप्ट एन एनिमल एट दिल्ली जो बट प्राइस इज वेरी सी हमेशा जो हम बात करते हैं इवन जो स्ट्रे एनिमल्स की भी बात थी स्ट्रे डॉग्स की भी बात थी यू लव डॉग्स सो इनस्टेड ऑफ लाइक फीडिंग दैट डॉग वंस इन अ वाइल्ड की जब वेन यू आर फीलिंग गुड आपने उस डॉग को फीड कर दिया बट उसके बाद आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो आप उस डॉग की वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हो उस डॉग को जैसे मौसम है बारिश है दिस एंड दैट यू आर शोइंग नो केयर तो ये चीज से बेहतर ये होगा कि हम एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका निकाले सो so दैट अगर आप एनिमल्स का हेल्प करना चाहते हो तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हो सिमिलर थिंग होती है वाइल्ड एनिमल्स के लिए यू नो फीडिंग वाइल्ड एनिमल इज अ क्राइम फीडिंग वाइल्ड एनिमल इज अ क्राइम अक्सर रोड साइड आप देखो वाइल्ड एनिमल्स को चाहे वो मंकी हुआ या फिर एनी अदर वाइल्ड एनिमल हुआ हम उसको फीड करते हैं फीड करते हैं सोशल मीडिया में भी हम पोस्ट करते हैं दिस लाइक की वी आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब बट यू नो यू आर नॉट डूइंग अ ग्रेट जॉब दिस इज अ इंस्टेड अ अ क्राइम क्राइम दिस इज इंस्टेड आप उस एनिमल की हैबिट्स खराब कर रहे हो नेक्स्ट टाइम पोचर आएगा और उसको जरा सा लालच देगा एनिमल को और उसका एनिमल का हंटिंग हो जाएगा सो यू आर नॉट हेल्पिंग दैट एनिमल इनफैक्ट यू आर अ पार्टनर आप उसको किल कर रहे हो सो दैट इज वाई अगर आपको हेल्प करना है तो ये जो तरीका है ये बेटर है सी जू में जैसे यहाँ पे है अगेन नेशनल जूलॉजिकल पार्क है दिल्ली जू है दिस इज वेरी ब्यूटीफुल मैं गया हूँ यहाँ पे यहाँ पर एनकरेज कर रहे हैं पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अब देखो जू में इन एनिमल्स को रखने का एक कॉस्ट होता है तो आप एडोप्ट कर लो उन्हें उस एनिमल को एडॉप्ट कर लो कि इस एनिमल का यहाँ बहुत सारे एनिमल्स है कैट्स बर्ड स्नेक्स बियर डियर एलिफेंट टोटॉइज हाइना सब है यहाँ पे आप उसको अडॉप्ट कर लो जैसे बर्ड के लिए सात सौ रुपए पर ईयर एक साल का सेवन हंड्रेड रुपी आई विल पे और उससे उस बर्ड का पूरा ख्याल वहाँ पे प्रोफेशनल जो है जू कीपर उसका ख्याल रखेंगे तो ये एक ज्यादा अच्छा तरीका है इसी तरीके से देखो गौर का है इंडियन वुल्फ का है यहाँ पे टाइगर का है लाइक दैट सिमिलरली और दूसरे जो जूज हैं वहां पर भी इस टाइप की फैसिलिटीज है सो so, ये एक बड़ा अच्छा तरीका है जिसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए नंदनकानन ओडिशा में भी ये एक तरीका है अब ये चीज़ क्या है इट इज़ अ टैम्पलेट इट इज़ अ टैम्पलेट इसको आप कभी आंसर राइटिंग में इंटरव्यू में कोई सवाल पूछा तो आप इस टैम्पलेट से आंसर दे सकते हो आपको ज़्यादा बेटर मार्क्स फेच होंगे देन दिस इज एक्सेबल अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज आर फॉर ऑल तो इट इज़ इंपॉर्टेंट हेल्थ अफोर्डेबल होनी चाहिए एक्सेसिबल होनी चाहिए क्वालिटी भी होना चाहिए मेकिंग द बेस्ट ट्रीटमेंट एक्सेसिबल टू ऑल इज द कंट्रीज विजन फॉर अ हेल्दी इंडिया आजादी का अमृत महोत्सव में दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड अब इस इस कड़ी में एम्स यहाँ पर ओपन कर रहे हैं एम्स ओपन कर रहे हैं नेशनल मेडिकल मिशन भी है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी ओपन हो रहे हैं देन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन और आरोग्य योजना इसके बेसिक बेसिक फैक्ट्स बताइए औषधि केंद्र क्या होता है बेसिक बेसिक फैक्ट्स बताइए ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिस एंड योगा को भी कर रहे हैं हम हेल्दी लाइफ को एनकरेज कर रहे हैं हेल्दी लाइफ ताकि डिसीज बर्डन कम हो तो ये भी एम्स यहाँ पर इनोग्रेशन हो रहा है रिटर्न टू स्टेटस को एंटी जरूरी है नीडेड फॉर नॉर्मल सी इन ईस्टर्न लद्दाख आई चीफ ने बताया तो आप आई एफ चीफ एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी साहब स्टेटस को एंटी होना जरूरी है वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटस को एंटी टेल आफ्टर एल सी एच इंडक्शन फोकस ऑन इंडिजीनस मीडियम लिफ्ट चॉपर होगा अभी कल मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था प्रचंड का दिस इंडक्शन हुआ हमें इंडिजीनस बनना बहुत जरूरी है और ये एडिटोरियल में आगे लिखा है ये क्राइसिस है क्रेडिट का ब्रेक थ्रू इन क्वांटम टेक्नोलॉजी ये नोबेल प्राइजेज हैं नोबेल प्राइजेज अभी अनाउंस हो रहे हैं हम एक बैकग्राउंड देखते हैं नोबेल प्राइज क्या है हाउ डू यू विन अ नोबेल बिफोर दैट नोबेल क्या होते हैं प्राइजेज नोबेल प्राइज मिलते हैं मेडिसिन में फिजिक्स में केमिस्ट्री में लिटरेचर में पीस में भी और ये एस्टेब्लिश हुआ था बाय द विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये अल्फ्रेड नोबेल जो था ना ये डायनामाइट बनाता था डायनामाइट बारूद और इससे अल्फ्रेड नोबेल ने देखा बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ लॉसेज हुए लाइफ लॉसेज हुए बट इसने पैसे भी बहुत कमाए इस वेपन से बिकॉज वी नो दैट वेपन एंड ऑल मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस होता है अब बिकॉज ऑफ सींग दीज हार्डशिप्स अल्फ्रेड नोबल का क्या हुआ हृदय और परिवर्तन हृदय परिवर्तन हुआ और इसने कहा कि ये जितना भी पैसा है ये मैं अब पॉजिटिव वर्क में लगाऊंगा फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने अच्छा कुछ काम किया है मेडिसिन फिजिक्स केमिस्ट्री लिटरेचर पीस में उनको यहाँ पे रिवॉर्ड किया जाएगा तो हर प्राइस का इतना टेन मिलियन करोड़ों रहे ये कहाँ की करेंसी है कैन यू टेल दिस करेंसी किस कंट्री का है और इसके बाद ऐसे करके विल यहाँ पे हो गया तो स्वीडन सेंट्रल बैंक है क्रिएटेड किया नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश इंडस्ट्रियलिस्ट था इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट ओके देन हु कैन नॉमिनेट अ कैंडिडेट तो इसमें कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया जाता है उनका स्क्रूटिनी किया जाता है उनके वर्क को समझा जाता है और उसके बाद नोबेल पीस प्राइस या फिर डिफरेंट जो कैटेगरीज है, हैं वो अनाउंस होते ओके तो आ, हाउ डज इट टेक टू नोबेल पेशेंस कई बार बहुत पुरानी जो इनोवेशन या वर्क है उसको भी आफ्टर सम टाइम यहाँ पर रिकोगनाइज किया जाता है पॉस्ट्यूमसली क्या नोबेल प्राइज मिलता है यस और नो टेल तो ये है नोबेल प्राइज तो इन्विटेशन के थ्रू होता है एनी पर्सन हु मीट्स द नॉमिनेशन क्राइटेरिया उसको आप नॉमिनेट करो कॉमेटी उसको देखेगी और फिर डिसाइड करेगी कि नोबेल देना है या नहीं देना है ओके okay. गांधी जी को भी कई बार नॉमिनेट किया गया था बट गांधी जी को नोबेल प्राइज नहीं मिला था तो दिस इज नोबेल प्राइज प्राइज अब ये नोबेल डेली अनाउंस हो रहे हैं जैसे फिजिक्स का हो गया केमिस्ट्री का भी हो गया फिजिक्स में हुआ है दिस क्वांटम क्वांटम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है तो नोबेल पीस प्राइज फिजिक्स का जॉइंटली इन साइंटिस्ट को मिला है फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद एंटेंगल्ड फोटॉन्स वॉयलेशन ऑफ बेल इन इक्वालिटी पायोनियरिंग क्वान्ट इन्फॉर्मेशन साइंस अभी इसमें लेट अस वेट फॉर सम टाइम्स के बहुत अच्छे एक्सप्लेनर आएंगे वन और टू डे में जिसमें सारे नोबेल प्राइज मिले ना इसको हम एक साथ ही सारा कर लेंगे काफी एफर्ट टाइम एनर्जी बच जाएगा ओके जैसे देखो इसकी वेबसाइट में जाओ कल हमने फिजियोलॉजी मेडिसिन का भी पढ़ा था एंशियन डीएनए को उन्होंने ढूंढा एंशियन डीएनए जैसे पहले हम भी क्या थे चिमपैन जी मॉन्की एसेट्रा ही थे धीरे धीरे फिर हम प्रेजेंट फॉर्मेट में आए फिर हमारी एक स्पीशीज थी जैसे नी हुआ डेनिसोवियन हुआ चिंपैन थे सारे और फिर इससे आगे बढ़ के हम होमोसेपियंस बने तो एक ब्रांच चिंपैन चली गई और एक ब्रांच आ गई जो प्रेजेंट आज के हम होमोसेपियंस हैं तो इस तरीके से ये डीएनए लिंकेजेस है डीएनए लिंकेजेस से हमें पता चलता है हमारे एंसेस्टर्स कौन थे तो बहुत पुरानी बात है हम कुछ इस टाइप के थे चिंपैन थे देन इसके बाद डेनिसोवन

पर्सन इज वन हुज जेंडर आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन मैच द आइडेंटिटी एट बर्थ तो बर्थ के टाइम पे डिजाइड अजाइन हुआ कि दिस इज अ मेल दिस इज अ मेल या फिर दिस इज अ फीमेल और बड़े होने के बाद वो मेल एट्रीब्यूट्स दिखा रहा है तो वो सिस जेंडर हुआ फीमेल एट्रीब्यूट्स अजाइन हुआ और फीमेल एट्रीब्यूट ये बर्थ पे फीमेल एंड एट्रीब्यूट भी फीमेल तो वो सिस जेंडर है बेबीज आर गिवन जेंडर आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैनी बिलीव दैट जेंडर इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट एंड ग्रोइंग अप द चाइल्ड मे ओर मे नॉट कॉन्फॉर्म टू द बर्थ आइडेंटिटी सो ट्रांसजेंडर पीपल देंस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी डज नॉट मैच द वन अजाइन टू दैम एट बर्थ बर्थ के टाइम पे आइडेंटिटी डिफरेंट था बट बाय जब ग्रोन अप हो रहे हैं तो उनका बिहेवियर उस आइडेंटिटी से मैच नहीं कर रहा है तो वो ट्रांसजेंडर है सिस जेंडर वो है जिनका दोनों मैच हो रहा है तो ये कीवर्ड यहां पे लिखा है ओके okay? तो मतलब मतलब तो जो जेंडर था आगे चल के वही कॉन्टिन्यूड है तो वो कहलाएगा सिस जेंडर बर्थ में जो जेंडर था आगे चल के वो जेंडर डिफरेंट एट्रीब्यूट दिख रहे हैं तो वो कहलाएगा ट्रांसजेंडर ओके okay? तो ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है अ जेंडर मतलब दोज नॉट बिलोंगिंग टू एनी जेंडर बाई जेंडर मतलब बोथ मैन एंड वुमेन नॉन बाइनरी मतलब बाइनरीज ऑफ फीमेल फीमेल मेल रिजेक्ट कर दिया है जेंडर फ्लूड मतलब हुज जेंडर आइडेंटिटी चेंजेस जेंडर क्वेश्चनिंग मतलब एक्सप्लोरिंग विद जेंडर दे आइडेंटिफाई जेंडर क्वीर का मतलब अम्ब्रेला टर्म फॉर पीपल नॉट सब्सक्राइबिंग टू ट्रेडिशनल जेंडर एंड ये है ए एफ ए बी ए एम ए बी मतलब तो ये वर्ड हमें ध्यान रखना है सिस जेंडर, जो जो सुप्रीम कोर्ट ने ये ये अभी यूज़ किया है। है। को करना बहुत मुश्किल प्रचंड है, प्रचंड इज अ वेरी केपेबल हेलीकॉप्टर द पॉइंट इज डिले क्यों हो रहा है हमें ये लार्ज स्केल में सच टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर्स चाहिए मीडियम दिस रोल मल्टी रोल वाले भी चाहिए लाइट कॉम्बैट भी चाहिए हैवी भी चाहिए ये हमें रिलायंस रिलायंस सेल्फ रिलाएंस की जरूरत है बिकॉज जैसे हम MI 17 भी ले रहे हैं ये रशियन ओरिजिन के हैं रशिया पे डिपेंडेंसी है हमारी वाई नॉट वी आर हम पुश कर रहे हैं इंडिजिनस हेलीकॉप्टर जो इतने ही केपेबल हो फॉर एग्जाम्पल हमने चिनू खरीदा चिनू खरीदा अपाची खरीदा बोलो ये कहाँ से खरीदा है चिनूक और अपाची मेक इन इंडिया करना पड़ेगा मेक इन इंडिया गैजेट्स बनाने पड़ेंगे और फिर हम इसके एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं जैसे फिलिपींस को हमने अभी ब्रह्मोस मिसाइल बेचा जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है ये आर्मेनिया को बेचने की बात है सो इससे पैसे भी आएंगे डॉलर आएगा गुड लिफ्टिंग ऑफ इससे हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड को भी स्पीड अप करने की जरूरत है अपना फॉर फीड सिक्योरिटी है करंट वीट वीड वीट फीड का शॉर्टेज होगा पॉलिसी मेकर को इंश्योर कराना चाहिए ये नहीं हो ओके देन लाइफ स्टॉक में भी जो लंपी डिसीजेज है उसको भी करेक्ट करना जरूरी है वॉर फुटिंग पे इस लंपी डिसीजेस से जो डेथ हो रही है इसको स्टॉप करना बहुत जरूरी है कैटल्स का लॉस हो रहा है फार्मर्स को ह्यूज इकोनॉमिक लॉस हो रहा है इमोशनली भी हम बहुत अटैच्ड होते हैं अपने लाइफ स्टॉक से काफी नुकसान हो रहा है Beyond good and evil, the festive season is also and more about fun and food, revelry and कॉम्यूनिटी सो फेस्टिवल सीजन है फेस्टिवल festival. फेस्टिवल्स क्या होते हैं फेस्टिवल एक टाइम होता है वेन वी डिस वेन वी लाइक कनेक्ट विद ईच अदर वी वैन वी लाइक कॉम्युनिटी हमारे बिलीफ सिस्टम इन सब को हम सेलिब्रेट करते हैं तो ये जो फेस्टिवल है ये एक नाइट मेहर में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए नाइट मेयर में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए रॉन्ग डूइंग्स एट्सेट्रा दिस थिंग्स वी शुड अवॉइड फेस्टिवल इज द टाइम फॉर फेस्टिविटीज़ फेस्टिविटीज then this is dear indian friend putin a health plan for the nation is required a finer steel a better frame steel frame of india steel frame of india matlab bureaucracy civil services ab steel frame jo building ka hota hai wo dikhta nahi hai तो ब्यूरोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा पूरे स्ट्रक्चर को but they are supposed to work anonymous दे आर सपोज टू वर्क एनॉनमस ये जो लाइम लाइट एंड एट्सेट्रा ये यूजअली एनकरेज नहीं किया जाता है ब्यूरोसी को स्टील फ्रेम बनने की ज़रूरत है अब जो टाइम है डिजिटल मीडिया का है तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल प्रेजेंस हम कम करें बट द आइडिया इज डिजिटल प्रजेंस भी है ब्यूरोसी का जो वर्क भी है वो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन सेल्फ ब्रांडिंग के बजाय पीपल सर्विंग की ओर ज्यादा ओरिएंटेड होना चाहिए सर्व द पीपल दैट इज वॉट इज योर जॉब सो द यूनिक मोमेंट ऑफ अमृत महोत्सव जो है सिविल रिफ्लेक्ट एंड कल हमने पॉलिटी में भी पढ़ा था ब्रिटिशर्स तो चले गए बट ये लाट साहब रह गए ये अक्सर ये एटीट्यूड आ जाता है ब्यूरोक्रेसी में भी इवन फौज में भी देखने को मिलता है इवन जो ऑनररी ऑनररी दिस कोर्ट्स है कोर्ट्स कोर्ट का भी एट टाइम्स जो कंडक्ट होता है वो क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसमें अभी भी ब्रिटिश का जो चल रहा है कि वो एटीट्यूड यहाँ पे दिखता है कोलोनियल माइंडसेट दिखता है नॉट राइट सेम चीज ब्यूरोक्रेसी में भी रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है यू आर देयर टू सर्व द पीपल इस जॉब में ही क्या लिखा हुआ है सिविल सर्वेंट जनता की सेवा करनी है तो द आइडिया इज इंफॉर्मेशन कॉम्युनिकेशन का बेटर यूज करे इंटरैक्शन हो कनेक्टिविटी हो अवेलेबिलिटी हो ऑफिसर्स का ओके okay? एंड जो ब्यूरोक्रेसी होती है इसको अपॉलिटिकल होना भी बहुत जरूरी है अपॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिसाइज नहीं होनी चाहिए इसको अपॉलिटिकल होना चाहिए अपॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव परमानेंट एग्जीक्यूटिव बेटर इन्फॉर्म सिटीजनर भी होना चाहिए ये नहीं कि हम बस ग्लोरिफाई कर रहे हैं आग बंद करके सवाल पूछो दे आर देयर टू हेल्प यू आस्क क्वेश्चन बेटर इन्फॉर्म रहो सिविल सर्वेंट से सिटीजनरी हो ताकि आप मेचोर पॉलिटिकल सिस्टम को देखो पॉलिटिशियंस फ्रॉम अक्रॉस द स्पेक्ट्रम रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिलीवरिंग ऑन कैंपेन प्रॉमिसेज हेल्थ एजुकेशन सोशल दे आर देयर टू हेल्प यू सो ये चीजें अगर हम पब्लिक को भी सेंसिटाइज करें और उनको भी बताएं कि क्या उनके राइट्स हैं कैसे वो अपने राइट को इंश्योर कराए तो एक बेटर सर्विस डिलीवरी हो पाएगी सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए एंगेजमेंट पार्टनरशिप होना चाहिए जन भागीदारी होना चाहिए जन भागीदारी और टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यहाँ पे यूज होना चाहिए देन इसके अलावा पार्टनरशिप जरूरी है जैसे कोविड नाइन्टीन में हमने देखा स्टैंड अलोन कोई काम नहीं होता है सबको मिल काम करना पड़ता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को इवन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक एवरीबडी शुड कम एट वन पेज सो द सेम पेज सो ये कोलाबोरेशन जरूरी होगा और जो आज का ट्रेंड लग रहा है तो आप देखो मार्क माय वर्ड्स बहुत जल्दी ये जो सिविल सर्विसेज का एंटायर सिस्टम है ना इसमें सरकारी नौकरी में बहुत चेंजेस आने वाले हैं कर्म योगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज है कैपेसिटी बिल्डिंग इसमें ये, था कि ये जो लार्ड साहब एटीट्यूड आ जाता है इसको करेक्ट करें द फर्स्ट ट्रांसिशन इन चेंज इज द माइंडसेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियस कंसिडरिंग कर्मचारी देर कर्मचारी टू बिकम करम योगी करम योगी सेकेंड ट्रांजिशन होगा वर्क प्लेस में अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में भी हेल्दी एनवायरनमेंट देना ज़रूरी है वहाँ पे वरना एट टाइम्स क्या होता है गवर्नमेंट जॉब करना इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट जॉब में भी लिमिटेशंस हो जाती है गवर्नमेंट जॉब्स में भी अगर आप एक्स्ट्रा कुछ वर्क करने की कोशिश करते हो तो वो फिर डिफ़िकल्टीज आने लग जाती है सो द आइडिया इज़ जो करेक्ट पीपल है राइट एम्प्लॉयज़ हैं जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं उनको एनकरेज भी करो उनको अप्रिशिएट भी करो उनको एक हेल्दी एटमोसफियर दो ये सीनियर्स का भी ड्यूटी होता है कि वो एक हेल्दी एटमोसफेयर बना के रखे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल जो गवर्नमेंट जॉब्स या सिविल सर्विसेज एट्सेट्रा ज्वाइन करते हैं और उनका प्राइमरी मोटिव यही होता है टू सर्व द पीपल टू सर्व द कंट्री वी नीड टू आइडेंटिफाई सच जेम्स आइडेंटिफाई सच जेम्स और उनको एनकरेज करो उनको प्रोत्साहन दो थर्ड ट्रांजिशन होगा पब्लिक एचआर मैनेजमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग कैपेसिटी बढ़ाओ और रूल बेस्ड रूल बेस्ड मॉडल यहाँ पे बनाओ तो कैपेसिटी बिल्डिंग है दिस योगी में और इसमें बहुत सारे मॉड्यूल दिस रिफ्रेशर वगैरह भी होगा और पोस्ट कोविड जो डिफिकल्टीज आई हैं उसको कैसे ओवरकम करना है देन इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि जीएसटी हो गया आधार टू डीबीटी बी लॉकर माई गोव फेसलेस ट्रांजेक्शन टू ड्रोन डिलीवरी टेक्नोलॉजी का यूज बिकॉज अगर हर चीज ऑटोमेट हो जाएगी तो वहां पर रॉन्ग डूइंग करने का चांस नहीं मिलेगा दिस वी नीड टू डू रैपिडली इंटीग्रेट करो टेक्नोलॉजी को और इससे बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करो तो ये मैंडेट है दिस मिशन करम योगी का इसमें जो छह पिलर हैं वो है पॉलिसी फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूशनल कॉम्पिटेंसी बनाओ कॉम्पिटेंसी बनाओ वर्क वरना अक्सर सरकारी नौकरियों में ये होता है कि जो पीक होता है ना वो सिलेक्शन का टाइम होता है इसके बाद सब बहुत कॉम्प्लासेंट हो जाते हैं और केवल और केवल डिटीरियोशन होता है वहां पे तो दे हैव टू तो बी कॉम्पिटेंट दे हैव टू तो बी कॉम्पिटेंट डिजिटल तो लर्निंग दिस कर्मयोगी देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इवेल्युशन भी टाइम पे हो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया था सिविल सर्विसेज भी रूल बेस्ड होती है नियम के हिसाब से काम होता है ऑन साइट लर्निंग हो ऑफ साइट लर्निंग भी हो ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो इंस्टीट्यूशन उन्हें प्रोवाइड करें एको सिस्टम बनाए एक हेल्दी इको सिस्टम बनाए एच आर मैनेजमेंट करें गवर्नमेंट एम्प्लॉज को भी बहुत डिफिकल्टीज होती है तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करना जरूरी है सिटीजन सेंट्रिक सिविल सर्विसेज होना चाहिए सिटीजन सेंट्रिक तो यही आज का सवाल है आपको मिशन करम योगी पे एक शॉर्ट नोट तैयार करना है और इससे रिलेटेड सिविल सर्विसेज के बारे में आपका क्या आइडिया है राइट इट डाउन आप प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करोगे इंटरव्यू में यह सवाल जरूर पूछा जाएगा वाई यूट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट ओके सो प्रिपेयर होप्स ऑफ यूएस पॉलिसी शिफ्ट है दिस बूस्ट हो सकता है यूएस की पॉलिसी सोनी और जी का मर्जर हो गया है देन दिस इज आईफोन को पैसे कमा रहा है देन 46% जॉब लॉसेस बेटर सप्लाईज इन फेस्टिवल टाइम्स जेलेंस की थोड़ा एडमेंट है लेटेस्ट यहाँ पे क्या होता है देन ईरान एंड देन दिस इज टैबलेट सो ये तो हो गया हमारा न्यूज अब हम देखते हैं आपके आंसर सबमिशंस तो ये दो सवाल थे ये दो सवाल थे फर्स्ट और सेकेंड अक्टूबर का महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी पे एक नोट तैयार करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बिकॉज ये लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट नेम्स हैं बहुत बड़े पिलर्स हैं

So see, कितने अच्छे से यहाँ पे ट्रेस किया वेरी गुड सी पूरा क्रोनोलॉजिकल बताया यहाँ पे फैंटेस्टिक वेरी गुड स्टार्ट वेरी वेरी गुड स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशनल फेसेस भी बताए सी पूरा यहाँ पे जर्नी ट्रेस कर लिया दिस इज सो इलेबोरेट वंडरफुल दिस इज रियली रियली गुड 48 तक वेरी गुड गांधी जी और गांधी जी की बातें जो है एग्जाम में काफी यूटिलिटेरियन है वो देन रत्ना प्रिया ने भी बहुत अच्छे से लिखा शास्त्री जी के बारे में ग्यारह जनवरी छाछा देन शास्त्री जी द मैन ऑफ पीस अर्ली लाइफ के बारे में बताए अब शास्त्री जी ने क्या सिखाया शास्त्री जी ने सिखाया सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफेस्टिकेशन यू शुड बी नोन बाय योर वर्क यू शुड बी नोन बाय योर वर्क बजाय ये फैंसी चीजों के बजाय यू शुड बी नोन बाय योर वर्क योर वर्क शुड बी योर प्रायोरिटी ये शास्त्री जी ने यहाँ पे बताया जय जवान जय किसान थॉट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए वो आपका रिफ्लेक्शन होता है सो दिस इज फ्रीडम मूवमेंट में बताया पॉलिटिकल पाथ आप जब प्रधानमंत्री भी थे अपने इतने अच्छे डिसीजन लिए और जो पैंसठ का वॉर था वो भी इतना अच्छे से इंडिया को उसमें विक्ट्री दिलाया वेरी साउंड लीडरशिप वेरी वेरी साउंड लीडरशिप अनफॉर्चुनेटली वी लॉस यू अर्ली बट जो शॉर्ट टेन्योर था उसमें शास्त्री जी ने एक्स्ट्रा काम किया है, विजन भी दिखाया है। जैसे कि जय जै जै किसान ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए अनाज नहीं था और आपकी जो पूरी लाइफ है, ये एक 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 है सिविल लाइफ का सिविल सिविल लाइफ का वेरी गुड राम नरेश वेरी गुड लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया सी आपने पूरा जर्नी ट्रेस किया रेलवे का भी बताया रेलवे मिनिस्टर थे पॉलिटिकल अचीवमेंट्स बताए तो आपके जो कोर्ट्स हैं और आपकी जो लाइफ का मैसेज है जय जवान जय किसान एक्सेट्रा वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन गांधी जी के बारे में रत्ना प्रिया ने बनाया आंसर गुड प्रवासी भारतीय दिवस गांधी जी के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ना है गांधी जी की पूरी लाइफ ही एक लेसन है लाइफ ही एक लेसन है अनटचेबिलिटी दूर करना है यूनिटी पे फोकस करना है दिस हमें रिलीजन बेस्ड डिवाइड रिलीजन बेस्ड फाइट नहीं करना है देन दिस इज सुंदर वेरी गुड और अच्छे से आपने शास्त्री जी के बारे में बताया फिर टीचिंग्स भी बताई आप पे अपने गांधी जी की देन इसके बाद रिफ्यूजी एंड देन वेरी गुड इसके बाद वन फिफ्टी थर्ड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चंपारण ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रिलिम्स मीनस दोनों के लिए आशा दिस इज लाल बहादुर शास्त्री जी अर्ली लाइफ एजुकेशन सी आशा की कॉपी भी इतनी अच्छी होती है दिस इज द रियली गुड कॉपी और बड़ी प्रैक्टिकल डुएबल चीज है इसको आप रियल एग्जाम में लिख सकते हो लर्न दिस थिंग वेरी गुड देन लेगेसी ऑफ शास्त्री जी भी धैन कीर्ति इसको भी बहुत अच्छे से आपने बताया सी क्रोनोलॉजिकली पूरा पेपर तैयार कर लिया आपने शास्त्री जी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया तो यही चीज करना है वी डोंट डू स्पून फीडिंग बिकॉज स्पून फीडिंग से वैसे भी सिलेक्शन होना नहीं है अब जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे होमवर्क नहीं करोगे इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट सो द आइडिया इज वी डोंट स्टडी दीज मेक यू फील गुड द आइडिया इज वी स्टडी दोज थिंग्स जो रिक्वायर्ड है जो एसेंशियल है हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा बिकॉज कॉम्पिटिशन इज देयर यू हैव टू पुट एफर्ट्स यू हैव टू पुट एफर्ट्स यू हैव गॉट द डायरेक्शन यू हैव गॉट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कंसिस्टेंसी हो गया बट अब आप एफर्ट्स डालो होमवर्क करो पूजा दिस इज रियली गुड सी मूवमेंट्स इन साउथ अफ्रीका कितने अच्छे से नोट्स बेस्ड बना लिया अब एग्जाम टाइम पे बस इसको क्विकली रिवाइज कर लो आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे लाइफ एंड वर्क ऑफ गांधी जी सिमिलरली शास्त्री जी के बारे में भी जान लिया हम ऐसे ही सवाल देखते हैं जो एक सवाल से मल्टीपल आंसर्स आपके करेक्ट हो जाए आपने ये दो एक्सरसाइज कर लिया ना गांधी जी और शास्त्री जी का आपके मिलते जुलते बहुत सारे सवाल रेडी हो गए तो दिस इज रियली नाइस नंदिनी दिस इज वेरी गुड आपने भी बहुत अच्छे से मेहनत से आप काम कर रहे हो वेरी हैप्पी आई वेरी हैप्पी सी यहाँ पे आपने बताया उनकी लाइफ के बारे में आपने अच्छे से रीड भी किया इसको देन सारी चीजें यहाँ पे कंसोलिडेट किया Fantastic. दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी नीड टू डू देन लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी लिखा इसको और इलेबोरेट करो दमन आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो यू आर एप्सोलूटली ऑन द राइट ट्रैक एंड यूर कंसिस्टेंसी इज अमेजिंग डबल थॉट्स नहीं लाना है जस्ट स्टडी 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 फुल थॉट एवरी बहुत जल्दी आप देखना सारी चीजें आपके सारे एग्जाम्स क्लियर होने लग जाएंगे बहुत अच्छे से होंगे है ना क्योंकि हम होलिस्टिक पढ़ रहे हैं आपका हर एग्जाम क्लियर होगा क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ सोशल वर्क बताया कॉन्क्लूजन थोड़ा और इलेबोरेट करो गांधी जी के बारे में भी बताया सी ये बहुत डिटेल में लिखा है आपने हर एग्जाम में इससे सवाल आता है वेरी गुड देन इट्स ऑल राइट

गांधी okay. जी की आइडियोलॉजी देन वेरी गुड तो देखो पूरा प्रिपेयर हो वेरी गुड लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी लिखा फैंटेस्टिक गुड डिसिप्लिन एंड यूनाइटेड एक्शन गुड शगुफ्ता आप भी बहुत मेहनत से काम कर रहे हो दिस इज रियली गुड वर्क वेरी गुड वर्क गांधी जी के आप देखो कोर्ट्स कंपाइल कर लिए ये कोर्ट्स बड़े अच्छे हैं इसको आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो जीएस में भी काम आएगा, हर जगह ये काम आएगा शास्त्री जी ने भी क्या बोला सिंपलिसिटी होना चाहिए सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन यू शुड बी नोन योर वर्क काम बोलता है वर्क के बारे में जाना जाना चाहिए आपको फॉरेन रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं लेगेसी भी है गुड

महात्मा गांधी जी के बारे में प्रमुख बिंदु गांधी जयंती गांधियन थॉट्स थॉट्स सो दिस इज रियली गुड अहिंसा पुस्तकें भी लिख दिया हिंद स्वराज ऐसे न्यूज वगैरह सारा वर्क इंपॉर्टेंट है गांधी जी का शास्त्री जी के बारे में भी अच्छे से लिखा शास्त्री जी एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड वैल्यू सिस्टम दे नेहा दिस इज अगेन वेरी गुड शास्त्री जी के बारे में लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है शास्त्री जी अभी मिशन कर्म योगी में ना आप शास्त्री जी के भी रेफरेंस यूज कर सकते हैं आपको बहुत इनको बहुत रेस्पेक्टेड है और बहुत अच्छा माना जाएगा एग्रीकल्चर जय जवान जय किसान अभी ये कितना स्टाइल अच्छा है एथिक्स का ओके okay. तो इस तरीके से हमें आंसर्स लिखने हैं इस तरीके से हमें आंसर्स लिखने हैं ऑलराइट सो आज का ये सवाल है मिशन कर्मयोगी प्रिपेयर दिस क्वेश्चन सो सो थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ